चार दिन पहले हुए इस धमाके की गूंज बीजिंग तक पहुंची तो जिनपिंग डर गए। सूत्रों के मुताबिक फौरन पाकिस्तान के आर्मी अफसरों के साथ मीटिंग की गई और कह दिया गया कि भाई साहब, अगर आपसे हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं हो पा रही तो हमें बता दीजिए, हम खुद कर लेंगे, क्योंकि आपसे तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो ये हमला पाकिस्तानी आर्मी पर था, लेकिन जिस बलूच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने इसे अंजाम दिया वो चीन के नागरिकों को भी निशाना बनाता है। और तो और, ये हमला भी उस बलूचिस्तान में हुआ जहां चीन की वजह से मानवाधिकारों के हनन का दावा किया जाता है, और यही वजह है कि चीन डर गया है। इसी साल अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के सामने चीन की कंपनी के कर्मचारियों के काफिले पर अटैक हुआ, उसमें उनके दो नागरिक मारे गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी शहबाज सरकार चीन को जनाब जनाब कहती फिर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। रेलवे स्टेशन में ब्लास्ट के बाद जब चीन ने लताड़ा, तब पाकिस्तान की पुलिस 5 लोगों को उठा कर ले आई और कह दिया कि इन्हीं लोगों ने चीन के नागरिकों पर हमला किया था। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलव्वस निकले। वजीर दाखला सिंध ज़िया हसन अंजाद का कहना है कि हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई। बताया गया कि चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान है। वो दुनिया के सामने तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंद कमरों में हो रही मीटिंग्स में वो पाकिस्तान को खूब धो रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने कई बार सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया और उनकी लापरवाही की वजह से चीन के नागरिक संकट में आ रहे हैं। अब मजबूरी चीन के उन हजारों नागरिकों की भी है जो अपनी नौकरी के चक्कर में वहां रहते हैं। भारत को कमजोर करने के लालच में उनकी सरकार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है, और इसके लिए पाकिस्तान में $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की काम चोरी की वजह से उनके नागरिकों की जान खतरे में आए, इसीलिए उसने अपनी सिक्योरिटी भेजने के लिए इस्लामाबाद को लेटर लिखा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, चीन की चिंता में उसने मौका जरूर ढूंढ लिया और अपना कटोरा आगे करते हुए कह दिया कि जनाब, अपनी फोर्स मत लगाइए, ऐसा करिए कि अपने एडवांस सिस्टम ही हमें दे दीजिए, हम फिर अच्छे से आपके नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। जाहिर है, चीन अगर चाह ले तो पाकिस्तान उसे मना तो कर पाएगा नहीं, बस देखना ये होगा कि कब तक पाकिस्तान चीन की फौज को अपने देश में उतरने से रोक पाता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.